संसद के दोनों सदनों से 127वें संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद राज्यों को ओबीसी लिस्ट जारी करने का तो अधिकार मिल गया, लेकिन बिहार की सियासत में यह मुद्दा अब भी गर्म है। आज तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना को लेकर पीएम मोदी को लेटर लिखा तो लगे हाथ ये इल्जाम भी लगा दिया कि पीएम ने मिलने का समय नहीं देकर बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान किया है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की लड़ाई को नई धार बख्श दी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना की मांग को लेकर पीएम मोदी को चिट्ठी लिख दी है। अपनी चिट्ठी में तेजस्वी ने लिखा, उपेक्षित, वंचित, उपभाषित, पीड़ित और अति पिछड़े वर्गों की जातीय जनगणना न कराने की संसद में दी गई लिखित सूचना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। युगों से पिछड़े और अति पिछड़े तरक्की के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनके विकास के खाके के लिए जातीय जनगणना बहुत ही जरूरी है। आज से करीब 90 साल पहले जातीय जनगणना हुई थी। 1931 के बाद से जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई, लेकिन अब यह समय की मांग है। बहुसंख्यक आबादी की गिनती कराई जाए और उस लिस्ट को सबके सामने जारी किया जाए। चिट्ठी लिखने के बाद मीडिया से रूबरू हुए तेजस्वी ने ऐलान किया कि अगर जातीय जनगणना नहीं हुई तो पटना की लड़ाई दिल्ली पहुंचेगी और वो जंतर मंतर पर धरना देंगे। तेजस्वी ने यह भी कह डाला कि पीएम मोदी 10 दिनों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुलाकात का वक्त नहीं दे रहे हैं और वो बिहार के मुख्यमंत्री का अपमान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बंगाल के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार ने सबसे ज़्यादा लगभग सारी सीटें जिस राज्य ने एनडीए सरकार को देने का काम किया उस राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को समय क्यों नहीं दे रहे, ये नीतीश जी समझें। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार जो है समय मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री जी से समय मिल नहीं रहा, तो आज हमने भी प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी जो है वो लिखने का काम किया है। जातीय जनगणना की मांग से बिहार के सियासी समीकरण बदलने लगे हैं। इसी बहाने लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल और नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड की दूरियां घटने लगी हैं। पीएम की ओर से सीएम नीतीश को मिलने का समय नहीं देने के मुद्दे को तेजस्वी ने बिहार के सम्मान से जोड़ दिया है, लेकिन जेडीयू पीएम से समय ना मिलने को आपस की बात बता रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र भी लिखा है और मिलेंगे भी, और मिलने में क्या समय मिलता है क्या नहीं समय मिलता और इसमें इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, तो इसका चिंता तेजस्वी यादव ना करें। वो इस बात का चिंता करें कि उनका रिश्ता अपने भाई से कैसा है, उनके परिवार वाले लोगों से कैसा है, और इस पर वो अगर वक्तव्य दे तो ज़्यादा सूट करेगा। माननीय मुख्यमंत्री का और माननीय प्रधानमंत्री के रिश्ते अत्यंत मधुर हैं और इसके लिए सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी कह रही है कि देश में जातीय जनगणना की जरूरत ही नहीं है, अगर जातीय जनगणना होगी तो समाज में उन्माद फैलेगा। प्रधानमंत्री जानते हैं कि कौन सा मुद्दा महत्वपूर्ण है, अगर वो मुख्यमंत्री को समय नहीं दे रहे हैं तो उसका भी कोई ना कोई कारण जरूर होगा। जातीय जनगणना जो चाहते हैं प्रधानमंत्री से आग्रह किया है उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उन्होंने भी समय मांगा है। अब समय देना और इस पर बात करना, क्या करना और नहीं करना, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच का विषय है। पहले कैबिनेट और फिर संसद के दोनों सदनों से 127वें संविधान संशोधन बिल को हरी झंडी दिलाकर मोदी सरकार ने साफ संकेत दे दिया है कि वो पिछड़े वर्ग की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती। इस बिल के कानून बनने से राज्यों को ओबीसी लिस्ट जारी करने का अधिकार मिल जाएगा, जिसकी मांग समाजवादी आंदोलन से उपजी कई पार्टियां कर रही थी। हालांकि आरजेडी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, आम आदमी पार्टी और टीडीपी जैसी पार्टियां सरकार के इस फैसले को विपक्षी दबाव का असर बता रहे हैं, तो तेजस्वी यादव ने सीएम के अपमान की बात कहकर नीतीश कुमार को मुश्किल में डाल दिया है। सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।